धनतेरस के दिन धन निकला है रोएरा सेफ्टी वॉल्ट्स में, जहां पर पहले भी छापेमारी कार्यवाही हुई थी। और पूरा घटनाक्रम यूं ही नहीं बना है, पहले कुछ दिनों पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें आरोप लगाया स्पर्धा चौधरी पर, कुछ और नेताओं पर, कहा कि जयपुर में एक जगह पर 500 लॉकरों में 500 नोटों की जो गड्डियां हैं उसमें 500 करोड़ रुपए काला धन और 50 किलो के लगभग सोना रखा हुआ है। फिर किरोड़ी लाल मीणा सभी मीडिया वालों को लेकर यहां पहुंचे गणपति प्लाजा में, रोएरा सेफ्टी वॉल्ट्स ये लॉकर है, प्राइवेट लॉकर है, और यहां पर उस दिन उन्होंने धरना दिया यहां पर। अब आज इनकम टैक्स की रेड हुई है, दो लॉकर खोले गए हैं और दो लॉकरों में जानकारी है कि 1,37,00,000 रुपये आप कैमरे में विजुअल्स में देख पा रहे हैं, जो नोटों की गड्डियां जो बंडल लॉकर से वहां पर निकले हैं, जो दो लॉकर खोले गए हैं उसमें 1,37,00,000 रुपए के लगभग मिलने की जानकारी मिल रही है। हालांकि सोना अभी मिला है कि नहीं मिला है इस बात की जानकारी समय के साथ बाहर आएगी, क्योंकि पहले जो लॉकर खोले गए हैं, पहले भी जब यहाँ पर कार्रवाई हुई है तो कुछ लॉकरों में सोना भी मिला है। बात करें कि लॉकर्स किसके हैं, तो ये बेनामी लॉकर्स हैं दोनों, जिसमें 1,37,00,000 रुपए के लगभग मिलने की जानकारी मिल रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पहले भी ये दावा किया था कि यहाँ पर 500 लॉकर है, बेनामी लॉकर है, कुछ सरकारी अधिकारियों के लॉकर हैं, कुछ मंत्रियों के रिश्तेदारों के लॉकर है, और इन लॉकरों में करीब 500 करोड़ रुपए है। उस दिन जिस दिन डॉक्टर मीणा ने यहाँ पर धरना दिया था तब लॉकर नहीं खोले गए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनकम टैक्स और ईडी यहाँ पर आती गई, कुछ लॉकर खुलते गए, और जब ये लॉकर खुलते गए तो समय के साथ में यहाँ पर धन उन लॉकरों से निकला भी है। आज जब ये लॉकर खुले हैं तो अभी दो लॉकर खोले गए हैं इनकम टैक्स द्वारा, इनकम टैक्स के अधिकारी भी अंदर मौजूद हैं और नोटों की गिनती कर रहे हैं। एक बार और हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर अधिकारी जो हैं नोटों को किस तरीके से टेबल पर सजा कर रखा हुआ है, पूरा बंडल गड्डियाँ जो है नोटों की रखी हुई है, 1,37,00,000 रुपये की लगभग ये रकम बताई जा रही है, और वहाँ पर अभी शायद गिनती शुरू है, यहाँ से लेकर जाएंगे इनकम टैक्स वाले जो ये बेनामी लॉकर्स में जो धन यहाँ पर मिला है। बाद में देखना ये भी होगा कि ये जो लॉकर खुले हैं इसका स्वामित्व अगर किसी के पास होता है तो कौन सामने आएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर 500 लॉकर है और महज अभी तक तकरीबन अगर देखा जाए तो 10 के लगभग ही लॉकर अभी तक खुल पाए हैं। पहले राजस्थान चौक पहले वो लॉकर रूम तक भी पहुंचा था, हम अंदर भी गए थे, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहां से हमने आपको दिखाई थी उसमें लॉकर रूम्स के अंदर का भी जो दृश्य था वो आपको दिखाया गया था, जिसमें बड़े एक अलमारियों की तरह कई सारे लॉकर हैं, छोटे छोटे लॉकर हैं, करीब 500 लॉकरों की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। और ये एक प्राइवेट लॉकर कंपनी है रोएरा सेफ्टी वॉल्ट्स, इस कंपनी के स्वामित्व की बात करें तो बताया जाता है कि जिसका ये गणपति प्लाजा का जो स्वामित्व है उन्हीं के बेटे सब कुछ मैनेज करते हैं ये रोएरा सेफ्टी वॉल्ट्स का, और ये प्राइवेट लॉकर्स में लोग अपना जो धन है यहाँ पर तिजोरियों में रखते हैं। आज तिजोरियाँ खुली हैं, दो लॉकर खुले हैं, हालांकि कई अभी लॉकर खुलना बाकी है, और जिस प्रकार का दावा डॉक्टर मीणा कर रहा है 500 करोड़ रुपए का, क्या वो रकम यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि बीते 3 से 4 छापों में अभी तक एक अंदाजन रकम बताई जाए तो 6 से 7 करोड़ रुपए के आसपास कैश यहाँ पर मिल चुका है। सोना मिलने की बात करें तो 1.5 किलो के आसपास का सोना पहले भी यहाँ से बरामद किया जा चुका है। पहली बार कोई छापेमारी नहीं हुई है यहाँ पर, पहले भी छापेमारी कार्रवाई हो चुकी है और पहले भी सोना और कैश यहाँ से मिल चुका है। हालांकि अब इनकम टैक्स के जो अधिकारी अंदर मौजूद हैं बाहर आएंगे, मीडिया को बयान देंगे कि नहीं देंगे, बताएंगे किसका स्वामित्व है, अगर बेनामी है तो कुछ जानकारी या दस्तावेज़ अगर उन्हें अंदर मिल रहे हैं, या फिर जो कंपनी रोएरा सेफ्टी वॉल्ट्स को मैनेज करती है उनके जो लोग हैं उनसे कुछ जानकारी अगर इनकम टैक्स को मिलती है, उसमें देखना होगा कि किसका नाम इस पूरे मामले में सामने आएगा, क्या जो दावा डॉक्टर मीणा कर रहा है कि सरकारी अधिकारी इस मामले में संलिप्त हैं उनके लॉकर है, मंत्रियों के जो रिश्तेदार हैं उनके लॉकर है, और मीणा ने तो इस पूरे मामले को पेपर लीक से भी जोड़ दिया था कि पूरा गबन एक जो चल रहा था उसके बाद यहाँ पर छापेमारी हुई है। अभी इंतज़ार कई लोगों का है, इंतज़ार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बयान का भी है कि इस पूरे मामले में जब 1,37,00,000 रुपये अभी तक निकल चुका देख पा रहे हैं आप लोग, अंदर आ रहे जा रहे हैं इनकम टैक्स के अधिकारी शायद लग रहे हैं, तो डॉक्टर मीणा के बयान का भी इंतज़ार रहेगा कि जो उनका दावा था
वो कहीं तक अगर हम देखें 1-2% तक सच होता हुआ दिखाया जा रहा है। 500 करोड़ का उन्होंने दावा किया है, 6-7 करोड़ रुपए कुल अभी तक मिल चुके हैं, आज 1,37,00,000 रुपए मिले हैं। इस मामले से जुड़ी हुई जो भी तमाम जानकारी होगी राजस्थान चौक आपको लगातार दिखाता रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए राजस्थान चौक।